देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना अंतर्गत नदियों के किनारे बसे गांव में लगातार अवैध कच्ची शराब की भट्टियां बनाकर शराब बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि शुक्रवार को और शनिवार को यहां शराब का मेला जैसा माहौल रहता है। लोग शराब खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। पुलिस मूर्ख दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। एक ही दिन में हम लोगों ने पूरे जिले भर में अभियान चला कर के और लगातार कार्रवाई होती है। ये बात तक संज्ञान में भी आई है तो इन गाँव में भी टीम बना करके कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर से बात करके उनका भी सहयोग लेकर के पूर्णता अच्छी दारू या किसी भी तरीके की अगर दारू पर पत्थर लगाएगी। यूपी के सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर जिला यादव सेना प्रदेश में हो रहे यादव समेत अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या और इनकाउंटर के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। यादव सेना के लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही यादव सेना के जिला प्रभारी सिद्धांत यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो जनपद में पूरे प्रदेश में जिस तरह से युवाओं की हत्या, यादवों की हत्या हो रही है, उसके संदर्भ में सिद्धार्थनगर जनपद के मुख्यालय के 3.5 तिराहे पे हम सब यादव सेना संगठन और तमाम बिरादरी के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो है पुष्पेंद्र यादव जो झांसी में हत्या हुई है और उसके बाद बृजपाल मौर्या बदायूं में जो हत्या हुई है, कबीर तिवारी छात्र संघ के नेता कबीर तिवारी की हत्या बस्ती में हुई है, हम सब इन हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार पूरे प्रदेश में खासकर युवा को और पिछड़ी जाति को, यादव जाति को टारगेट करके हत्या करवा रही है, इसमें योगी सरकार की अहम भूमिका, मुख्य भूमिका है। 7 महीना पहले पूरे प्रदेश में 28 यादवों की हत्या हुई थी, फिर यादवों की हत्या होना शुरू हो गया है, पिछड़ी जातियों का भी हत्या शुरू हो गया होना। और खास बात इसमें यह है कि अब पिछड़ी जात के लोग और ब्राह्मण जो हैं, पिछड़ी जात के लोग और ब्राह्मणों को योगी सरकार, ठाकुर सरकार टारगेट करके उनकी हत्या करवा रही है। जिंदारी प्रथा नहीं चलेगी और उनको मारने का प्रयास नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के राजस्व महासंघ के अंतर्गत कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के और लेखपाल संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में संयुक्त रूप से धरना दिया। महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी के मांग पे, अनुरोध पे आज जिला कार्यकारिणी ने धरना प्रदर्शन किया है और राजस्व विभाग में चकबंदी विभाग की विलय की बात चल रही है और ये अंतिम स्टेज पे है। चकबंदी विभाग ये राजस्व विभाग में विलय हो जाता है तो हमारे राजस्व विभाग के चतुर्थ कर्मचारी से लगायत और तहसीलदार तक के पदों पे जो भी प्रमोशन है इसमें सब लोग प्रभावित होंगे और इस विलय को हम लोग हर हाल में नहीं होने देंगे। शासन की इस गलत नीति को हम लोग हर हालत में खारिज कराने का प्रयास करेंगे। अगर शासन आपकी बात नहीं सुनती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? प्रदेश कार्यकारी का अगला जो आह्वान होगा उसके आधार पर हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग कलम बंद करके, और जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। बदायूं में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा द्वारा सूत्र पूजन का आयोजन जिला पंचायत सभागार बदायूं में किया गया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष उदय सिंह गौर द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दादागंज विधायक राजीव कुमार के साथ अतिथि कुंवर श्री महाराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सभी क्षेत्र पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाओं से किया। खाना का आवश्यक होता है तब से खाना आवश्यक हो उन्हीं परिस्थितियों में, जैसे आज हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश के लोग शांति से रहते हैं लेकिन जब आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो हम शस्त्र का प्रयोग करते हैं। ऐसे देश के प्रति कोई आसुरी प्रवृत्तियां, आतंकी प्रवृत्तियां जब बढ़ती हैं तो हमको शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं। शस्त्र का हमको कोई शौक नहीं है लेकिन हम अपने देश के धर्म की रक्षा के लिए जब भी उसकी जरूरत होगी तो शस्त्र उठाने के पीछे।